हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स क्रैक सीटेट सीरीज। मेरा नाम है मेघा जायसवाल और आज के टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को टैप कर लीजिए जिससे मेरे सभी नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज का टॉपिक है हमारा पर्सनैलिटी थ्योरीज। इससे पहले हम पर्सनैलिटी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स और उसकी टाइप थ्योरीज देख चुके हैं और आज हम इसकी ट्रेट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्सनालिटी की जो ट्रेट अप्रोच है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग किसी पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो उसके इंट्रिंसिक कैरेक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसके आंतरिक गुणों पर निर्भर करती है। तो दिस अप्रोच मेक्स यूज ऑफ द पर्सनालिटी ट्रेट्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इसमें हम पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखते हैं कि उसके गुण कैसे हैं। तो अगर हमें किसी पर्सन की पर्सनालिटी को, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हमें उसके गुणों के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें उसके गुणों के बारे में पता होगा तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो व्यक्ति किस तरीके से एक्ट करेगा। तो ट्रेट अप्रोच में सबसे पहले थ्योरी हम देखेंगे ऑलपोर्ट की, ऑलपोर्ट ट्रेट अप्रोच। जीबी एलपोर्ट was the first personality theorist who adopted trait approach in providing a theory of personality. तो पहले personality theorist थे जिन्होंने trait approach को अपनाकर अपनी theory दी थी। According to Allport, personality trait are the basic units of the structure of our personality. तो किसी की जो व्यक्तिक गुण होते हैं वो उसकी personality की basic units होते हैं, यानी किसी के व्यक्तित्व की जो संरचना है वो इन्हीं पर्सनैलिटी ट्रेट्स और गुणों से बनी हुई होती है। ही अलॉन्ग विद वन ऑफ हिज कलीग लिस्टेड 17,950 वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। आफ्टर एनालिसिस एंड रिजेक्शन ऑफ द वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ सिनोनिम एंड इनअप्रोप्रिएटनेस ही अराइव्ड एट 4,541 वर्ड्स फॉर क्लासिफाइंग दीज इनटू थ्री मेन टाइप्स। तो ऑलपोर्ट ने अपने एक कलीग के साथ मिलकर टोटल इंग्लिश के 17,953 वर्ड्स जो है वो कलेक्ट किए थे जिससे वो पर्सनालिटी ट्रेट्स को बता सके। तो ये जो व्यक्ति के गुण होते हैं उनके लिए टर्म्स इंग्लिश डिक्शनरी से लिए थे और एनालिसिस और रिजेक्शन करने के बाद, मतलब जो पर्यायवाची थे या एक जैसे लग रहे थे या कुछ इनअप्रोप्रिएट जिनका मीनिंग था, वो सब हटाने के बाद इन 17,953 वर्ड्स में से उसने सिलेक्ट किए 4,541 वर्ड्स और इन्हें फिर क्लासीफाई करके तीन मेन टाइप्स दिए थे ट्रेट्स के। तो पहला था इसमें कार्डिनल ट्रेट्स, दूसरा था सेंट्रल ट्रेट्स एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी ट्रेट्स। देखिए ट्रेट्स जो हैं, वैसे हम देखें तो दो टाइप के होते हैं, कॉमन ट्रेट्स होते हैं, कुछ कॉमन ट्रेट्स मतलब जो सभी व्यक्तियों में पाए जाएंगे, और दूसरे होते हैं पर्सनल ट्रेट्स। ये पर्सनल ट्रेट्स ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताते हैं क्योंकि ये ऐसे गुण हैं जो उस पर्टिकुलर पर्सन में पाए जाते हैं। अब इसमें हम पहले बात करेंगे कार्डिनल ट्रेट्स की। These are the most active and dominant traits of one's personality. तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव और डोमिनेंट यानी प्रबल प्रमुख ट्रेट्स होते हैं किसी भी पर्सनैलिटी के, जो हमेशा हमें नजर आएंगे। हम किसी पर्सन के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो ये एक दो ट्रेट्स अगर हमें पता है उसके, तो हम उसकी पूरी पर्सनैलिटी को इन्हीं एक दो ट्रेट्स, कार्डिनल ट्रेट्स से डिसाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं। Although present in a very small number as one or two, these are enough to color the personality according to their characteristics. तो ये एक या दो भी अगर present हैं ये प्रमुख गुण, तो ये उसकी पूरी personality को, एक person की पूरी personality को color करने के लिए काफी हैं। That means कि हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुछ एक या दो ऐसे प्रमुख गुणों के ऊपर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें किसी पर्टिकुलर पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो वो हर सिचुएशन में हमें नजर आएगा, हमेशा हमें ये गुण उसके दिखाई देंगे। तो कार्डिनल ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स हैं जो किसी पर्सन को पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं और वो हर सिचुएशन में नजर आएगा। जैसे हम महात्मा गांधी के लिए कह देते हैं ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस से उन्हें कनेक्ट किया जाता है, सत्य और अहिंसा से। तो ये दो ऐसे गुण हैं जिसका अगर हम सत्य और अहिंसा की बात करेंगे तो सीधे हमारे दिमाग में किसका नाम आएगा, महात्मा गांधी का। तो हम महात्मा गांधी की पर्सनैलिटी को इन दो ट्रेट से जोड़ सकते हैं। तो कार्डिनल ट्रेट्स यहाँ पर यही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये ऐसे गुण हैं जो एक पर्सन की पूरी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए काफी हैं। एक या दो ही होते हैं लेकिन पूरी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर देते हैं। देन सेकेंड वन आर सेंट्रल ट्रेट्स। This include traits that are frequently employed for identifying and describing one's personality. तो ये जो central traits हैं, जिन्हें हम केंद्रीय गुण कहेंगे, ये frequently employ होते हैं, मतलब ये अक्सर नजर आते हैं,
हमेशा नहीं, ये अक्सर नजर आएंगे अलग अलग सिचुएशंस में. यूजुअली 7 or 8 सच सेंट्रल ट्रेट्स आर इनफ फॉर नोइंग एंड डिस्क्राइबिंग द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. तो सेंट्रल ट्रेट्स या केंद्रीय गुण ऐसे गुण हैं जो अक्सर किसी व्यक्ति के स्वभाव में या व्यक्तित्व में नजर आते हैं. अलग अलग सिचुएशंस में हम देखेंगे कि वो अक्सर इन सारे गुणों को शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है. तो ऐसे 7 या 8 गुण अगर किसी की पर्सनैलिटी में प्रेजेंट हैं तो काफी हैं. अगर हम 7 और 8 ऐसे गुणों को आइडेंटिफाई कर ले तो हम उसकी पर्सनैलिटी को बता सकते हैं. तो कार्डिनल ट्रेट्स हमने देखा 1 या 2 ही ऐसे ट्रेट्स हैं जो कार्डिनल ट्रेट्स से हम पूरी पर्सनैलिटी को बता सकते हैं, लेकिन सेंट्रल ट्रेट्स कम से कम 7-8 अगर हमें पता हो तो हम उस पर्सन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऑनेस्टी हुई, ईमानदारी, काइंडनेस, दयालुता, शाइनेस हुई, शर्म या शर्मीला स्वभाव, क्रुएलिटी हुई, क्रूरता. तो ये सारे कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं, केंद्रीय गुण हैं जो हमेशा नहीं लेकिन अक्सर किसी के व्यवहार में नजर आते. देन लास्ट वन आर सेकेंडरी ट्रेट्स. These include those traits of an individual's personality that play quite a secondary or insignificant role in identification and description of one's personality. तो अगर किसी person की personality को identify करना है तो हमने cardinal traits में देखा कि एक या दो traits ही काफी हैं. सेंट्रल में देखा 7 या 8 कम से कम हमें ट्रेट्स पता होने चाहिए, तब हम एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं. सेकेंडरी ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स हैं जो बहुत कम जो है किसी पर्सन के व्यवहार में नजर आते हैं, बहुत ही रेयर, कभी कभी नजर आएंगे. तो इन सारे ट्रेट्स को अगर हम पता कर भी लें तभी भी हम एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते. तो इसलिए ये रेयरली यूज होते हैं कि हम सेकेंडरी ट्रेट्स का यूज करके किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें. These are reflected quite rarely in one's behavior. Example, miser, selfish, greedy, जैसे हम कहेंगे लालची, कंजूस, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले. Next पे चलते हैं, Cattell's trait approach. R.V. Cattell, a British-born American researcher, tried to further advance the trait approach advocated by Allport. तो R.V. Cattell ने भी, जो कि एक British-born American researcher थे, उन्होंने भी Allport की ही जो approach, उन्होंने trait approach अपनाई थी, उसी को आगे बढ़ाया है. He began with approximately 4,000 of Allport's 17,950 words and narrowed the list to 171 by eliminating the synonyms. और इन्होंने Allport ने जो 17,953 words लिए थे English words dictionary के, तो उन्हीं में से 4,000 word approximately Cattell ने भी उठाए और उनमें से पर्यायवाची वगैरह सब हटाकर उन्होंने इस लिस्ट को कम कर दिया और उसमें से टोटल 171 वर्ड्स को सेलेक्ट. ही अराइव्ड एट 171 वर्ड्स रिलेटेड विद पर्सनालिटी एंड कॉल्ड देम ट्रेट एलिमेंट्स. इन 171 वर्ड्स को ट्रेट एलिमेंट्स कहा गया. ही आइडेंटिफाइड 35 ग्रुप्स ऑफ दीज ट्रेट एलिमेंट्स एंड कॉल्ड देम सर्फेस ट्रेट्स. इन 171 वर्ड्स में भी उसने कुछ ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन, जो बहुत ज्यादा कोरिलेट कर रहे थे या जिनका मीनिंग काफी ज्यादा मैच कर रहा था, उनको ग्रुप्स में बांटकर टोटल 171 वर्ड्स के 35 ग्रुप्स बना दिए गए और इनको नेम दिया गया सरफेस ट्रेट्स या हम कहेंगे इन्हें सतही गुण. किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो सतही गुण होते हैं वो दिखाई देते हैं. ऑन एग्जामिनिंग द सर्फेस ट्रेट्स In terms of their correlations and removing the overlapping gave him the desired basic dimensions which he called source traits. इसके बाद अगर इन ग्रुप्स में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे या कुछ ऐसे ट्रेट्स थे जिनमें ओवरलैपिंग हो रही थी, जिनका मीनिंग कुछ ना कुछ मैच कर रहा था, तो उनको भी सब कैटेगराइज करके Cattell को मिले बेसिक डायमेंशंस जिसे उसने कहा सोर्स ट्रेट्स. सोर्स ट्रेट्स जो हैं ये सतही गुणों को बनाते हैं, यानी जो सरफेस ट्रेट्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना हुआ होता है, सोर्स ट्रेट्स से बना हुआ होता है. ही अल्टीमेटली कंक्लूडेड द 16 फैक्टर्स और बेसिक डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी आर सफिशियंट टू डिस्क्राइब वंस पर्सनालिटी. और इसके बाद Cattell ने ये जो बेसिक डायमेंशन जिसे कहा था, ये टोटल फैक्टर एनालिसिस के बाद उसने 16 ऐसे फैक्टर्स इसमें से ग्रुप किए जो किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशियंट है. तो सबसे पहले उसने 171 वर्ड्स जो उसने नैरो डाउन किए थे उन्हें उसने कहा ट्रेट एलिमेंट्स. देन Cattell ने इनके कोरिलेशन के बेसिस पर ग्रुप्स बनाए और 35 ग्रुप्स जो बने उसको Cattell ने कहा सरफेस ट्रेट्स. और सरफेस ट्रेट्स जो सतही गुण होते हैं वो बने हुए होते हैं सोर्स ट्रेट्स से, जो एक्चुअली बेसिक डायमेंशंस हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं सरफेस ट्रेट्स का. और फैक्टर एनालिसिस के बाद ये 16 फैक्टर्स या बेसिक डायमेंशंस
कैटल ने बताए कि ये किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए पूरी तरीके से काफी है, ये सफिशियंट है। तो इन 16 फैक्टर्स को हम देख लेते हैं एक बार। द सेट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स एग्जिस्टिंग इन कैटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, ये जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स जो कैटल ने दिए हैं, एक तरफ हमने लिया है ट्रेट और दूसरी तरफ है बिल्कुल उसका ऑपोजिट ट्रेट। तो जैसे इसमें पहला है, देखिए पहला है इसमें रिजर्व्ड, जिसमें हम कहेंगे एकांत प्रिय, इसका ऑपोजिट ट्रेट है आउटगोइंग, उत्साही। सेकेंड वन इज लेस इंटेलिजेंट, कम बुद्धिमान, मोर इंटेलिजेंट, अधिक बुद्धिमान। अफेक्टेड बाय फीलिंग्स, संवेगात्मक, इमोशनली स्टेबल, स्थिर। सबमिसिव, नम्र, डोमिनेंट, प्रबल। सीरियस, गंभीर, हैप्पी गो लकी, हसमुख। एक्सपीडियंट, सामाजिक, कंसाइंशियस, आध्यात्मिक। टिमिड, संकोची। वेंचरसम, साहसी। टफ माइंडेड, निष्ठुर। सेंसिटिव, संवेदनशील। ट्रस्टिंग, विश्वस्त। सस्पिशियस, शंकालु। प्रैक्टिकल, यथार्थवादी। इमेजिनेटिव, कल्पना कुशल। फोर्थराइट, सामान्य। श्रूड, चतुर। सेल्फ एश्योर्ड, आत्मविश्वासी। एप्रीहेंसिव, चिंतित। कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। एक्सपेरिमेंटिंग, आधुनिक। ग्रुप डिपेंडेंट, समूह नियंत्रित। सेल्फ सफिशिएंट, स्व आधारित। अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। कंट्रोल्ड, नियंत्रित। रिलैक्स्ड, तनाव मुक्त। टेंस, तनाव युक्त। तो ये सारे 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स जो कैटल ने दिए थे, ये किसी की भी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट है। कैटल मेड यूज ऑफ 16 फैक्टर्स ऑफ बेसिक डायमेंशंस ऑफ द पर्सनालिटी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्सनालिटी इन्वेंट्री नोन एज कैटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स और 16 PF इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री जो है किसी की पर्सनालिटी को असेस करने के लिए या मेजर करने के लिए यूज की जाती है, और कैटल ने जो 16 फैक्टर्स बताए हैं बेसिक डायमेंशंस, उसी के ऊपर बेस 16 पर्सनालिटी फैक्टर या 16 PF इन्वेंट्री तैयार की थी। और इस इन्वेंट्री को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है किसी की पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए। तो पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए ये काम आती है 16 PF इन्वेंट्री। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 16 PF इन्वेंट्री किसने दिए, तो कैटल आपको याद होना चाहिए। ये थी ट्रेट थ्योरीज पर्सनालिटी की। इसके आगे वाले वीडियो में हम करेंगे टाइप कम ट्रेट थ्योरीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।